हाय गाइस, तो टेस्ट बुक के YT चैनल पे वेलकम। अभी SSC के 2 ही डेज बचे हैं एग्जाम के। मुझे पता है कि लिंक भी आ गया एडमिट कार्ड का, बट काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है डाउनलोड करने में, तो वो हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करें। एग्जाम है तो डेफिनेटली उनका एडमिट कार्ड फटाफट से आ जाएगा। मुझे पता है कि कुछ लोग मैसेज भी करें एडमिट कार्ड की अलग टेंशन है, एग्जाम की अलग टेंशन है, बट नहीं, एडमिट कार्ड हो जाएगा डाउनलोड। अब आपको पता चल जाएगा प्लेस, वेन्यू, टाइम, कब होगा एग्जाम, तो वो प्रोसेस हो जाएगा। आपका जो पेपर पे आपको ध्यान देना है कि अभी लास्ट 1 डे में क्या आपको चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है, मैं उस पर बात करूँगी, और आप लेवल क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो, और इंटरफेस डूज डोंट्स क्या होंगे, इंटरफेस से रिलेटेड क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। NTA एग्ज़ाम करवा रहा है, तो NTA अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तो उनके यूजली एग्ज़ाम इंटरफेस कैसे डिफरेंट होता है जो आप बाकी एग्ज़ाम देते हो उससे, तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ यहाँ पे। पहले तो आपको जो पैटर्न है आप जानते हैं, आपका ये पैटर्न रहेगा, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा केयरफुल होना है, टाइम का भी ध्यान रखना है इसमें। मैं आपको ये बोलूँगी, जितने भी आपके चारों सेक्शन, पांचों सेक्शन है, 2 आवर्स 30 मिनट्स का है, काफ़ी लंबा एग्ज़ाम है, बट हमने इतने मॉक्स, प्रैक्टिस सेट्स, क्लासेस की हैं कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप यूज्ड टू हो गए हैं। और जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमें इतना ज़्यादा हमारा फोकस रहता है कि टाइम का नहीं पता चलता है, तो वेटेज हर क्वेश्चन का ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम को नोट करते हुए आपको ड्यूरेशन, आपको इंटरफेस पे, मतलब वहीं पे जहाँ आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा ऊपर टाइम दिखता रहेगा, उसका ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी रहेगा, तो वो एक चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, अब अगर मैं एक्सपेक्टेड पेपर लेवल की बात करूँ गाइज, बहुत इजी नहीं है SSC का एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा इजी में नहीं आता, तो हम मॉडरेट एक्सपेक्ट करें, मतलब हर एक सेक्शन आप थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का एक्सपेक्ट करें, और वैसे ही हमने तैयारी भी करवाई है आपको, तो एक्सपेक्टेड जो पेपर लेवल है वो हर एक सेक्शन के लिए मैं अगर बताऊं तो मॉडरेट होगा। इंग्लिश की जो मैं पढ़ाती हूँ उसकी अगर मैं बात करूँ, तो इंग्लिश में जैसे उन्होंने लिख ही दिया है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करें कि विद कॉम्प्रीहेंशन, स्पेशल जो फोकस कॉम्प्रीहेंशन पे स्टार मार्क किया है, तो रीडिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होंगे आपके, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपने RC प्रैक्टिस किए, पैसेज वाले क्वेश्चंस लंबे लंबे प्रैक्टिस किए, तो आपके लिए ईजी रहेगा, बट मॉडरेट लेवल होगा एग्ज़ाम का। ठीक है, तो नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी टफ, और इतना टफ भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि NTA कंडक्ट करा रहा है फर्स्ट टाइम, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से टफ दे देंगे, है ना, इंटरफेस भी नया, एग्जाम का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा, लेवल भी बहुत ज़्यादा टफ, ऐसा नहीं होता, एकदम इम्पॉसिबल नहीं कर देंगे कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कुछ नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है। और टफ आया भी तो बहुत सभी लोगों के लिए टफ होगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इजी टू मॉडरेट इस रेंज में आपका लेवल रहेगा। कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल वाले भी रहेंगे, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उन्हें पहले इसको कर लीजिए अटेम्प्ट, जब आप स्कैन करते हैं पेपर, और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके मॉडरेट कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, इंटरफेस ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि हम एक इंटरफेस से यूज टू हैं, जो आप बैंकिंग के या इंश्योरेंस के पेपर देते हैं। NTA वाला इंटरफेस में क्या आपको चीज़ें याद रखनी है वो मेरा आपको बताना ज़रूरी है यहाँ पे। सेव एंड नेक्स्ट ज़रूर करना, नेक्स्ट का भी ऑप्शन आता है क्योंकि, और नेक्स्ट पे गए तो सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया तो वो रिस्पॉन्स सेव आपका नहीं होगा, आपने जो आंसर मार्क किया वो सेव नहीं होगा, डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक मत करना, थोड़ा सा फोकस करना, पैनिक मत करना वहाँ पे कि एकदम घबरा रहे हैं, जल्दबाजी में आपने कर दिया कि भैया नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए, नहीं, तो सेव एंड नेक्स्ट ज़रूरी है कि आपका आंसर सेव हो हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और मैं ये बताऊंगी कि जो भी आप मार्क करते हैं रिव्यू के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को, कि ठीक है आके बाद में देखेंगे, तो वो पर्पल एक आपका रहेगा, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाला है टेस्ट बुक का, अगर मॉक दिया हो तो आपको दिखेगा पर्पल कलर का सर्कल, और पर्पल कलर के सर्कल में अगर ग्रीन कलर का सर्कल भी है, मतलब आपने इसको आंसर किया है बट रिव्यू के लिए छोड़ा है कि बाद में मैं कन्फर्म करूंगा कि यही आंसर है कि नहीं, समझ में, डिफरेंस है, तो ये आइकन थोड़े से ध्यान से देखना। टाइम लेफ्ट जैसे लिखा आ रहा है यहाँ पे भी ऊपर, अगर आप, मैं आपको बोलूँगी अभी भी आप एक बार मॉक खोल के इन चीज़ों पे भी थोड़ा फोकस करें, मॉक दिए होंगे, प्रैक्टिस की होगी तो यूज टू होंगे इस इंटरफेस के भी, कोई बात नहीं, बट वहाँ पे पैनिक करके कुछ भी गड़बड़ से ये मत भूल जाना कि सेव करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे नहीं, डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट करना है कि आंसर सेव हो जब मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इंटरफेस है थोड़ा सा डिफरेंट है, टाइम आपका राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा, राइट हैंड साइड पे आपका रहता है यूजुअली टाइम जो आपको दिखाते हैं बैंकिंग वाले इंटरफेस पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टाइम दिखेगा ओवरऑल,
उसका ट्रैक रखना है, ठीक है। तो इंटरफेस कैसा होगा, डिफरेंट कैसे होंगे, आइकन्स क्या क्या हैं वो अलग हैं, आपको जो ध्यान करना है आंसर, जैसे आपने गलत मार्क कर दिया तो क्लियर रिस्पॉन्स का एक ऑप्शन आएगा, तो क्लियर रिस्पॉन्स पे मार्क करना है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ना कोई भी छोटी सी चीज़ मतलब ख़राब हो जाए, आप समझ में नहीं आए, उस वक्त तो हम पैनिक करने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे आपको पहले से, और इंस्ट्रक्शंस पढ़ना आपको, इंस्ट्रक्शंस पूरा जो इंटरफेस के इंस्ट्रक्शंस हैं स्टार्टिंग में, स्टार्ट होने से पहले पेपर, वो आपको टाइम मिलता है 5 मिनट पढ़ने का, तो वो ज़रूर ध्यान से पढ़ना आराम से। अगला, डूज एंड डोंट्स इस एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है। केयरफुली पूरी इंस्ट्रक्शंस रीड करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करना है जिसको हम कैंसिलेशन बोलते हैं। ट्रैक रखना है टाइम का। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होती है एग्ज़ाम में कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। अगर आप लोग मान लो कि ट्रैक भूल गए टाइम का, तो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस देख भी नहीं पाएंगे, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाइम का ध्यान नहीं दिया। तो स्पीड और एक्यूरेसी इसीलिए बोलते हैं, दोनों को मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि वो एक डिफाइनिंग फैक्टर होता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी, कई बार हम गलत इंस्ट्रक्शंस या नर्वसनेस में इंस्ट्रक्शंस पे फोकस नहीं करते, इसलिए बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो अवॉइड करना है। एलिमिनेशन क्या होता है कि अगर मतलब मान लो कि इतना ज़्यादा तो कन्फर्मिटी नहीं है आंसर की, बट ऑप्शंस की हेल्प से हम कोई एजुकेटेड गैस करना चाहते हैं कि हाँ ये हो सकता है यार, बाकी ऑप्शंस तो वैसे भी नहीं समझ में आ रहे, तो वो गैसे गैसिंग या गैसिंग भी नहीं, कैंसिलेशन टेक्निक को ही एलिमिनेशन कहते हैं। गैस वर्क नहीं, मतलब एजुकेटेड गैस करना, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी तो मेंटेन करना है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। टाइम कोई एक सिंगल क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ें, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करें और आंसर सेव करना मत भूलें, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती है एग्जाम में। अब तो एक दिन में आप बहुत कुछ नहीं चेंज कर सकते, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब जो फोकस होना चाहिए कि आप अपना 100% कैसे दें इस पेपर में, राइट। उस टाइम पे एकदम प्रेजेंट होके फोकस्ड होके अपना अटेम्प्ट कैसे करें, वो आपका मेन फोकस होगा यहाँ पे। अब एक दिन में आपको और कुछ कवर करने की एक्स्ट्रा सिलेबस जरूरत नहीं है, जो रिवाइज करना है वो कर लीजिए, बाकी तो अपना 100% वहाँ एग्जाम में देना है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि इतना भी नहीं पढ़ा, बट हाँ वहाँ से लॉजिक, वहाँ पे लॉजिक बन जाता है, समझ आ जाती है चीज़, तो वो भी हो सकता है। तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है और अपना 100% देना है बस, ठीक है। ये भी नहीं सोचना कि बाकी बाकी लोगों ने मुझे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो कंपैरिजन्स कुछ नहीं, बस अपने पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए और अपना एग्जाम दीजिए, अच्छा ही होगा। जितना पढ़ा है उसको आप यूज़ करिए, और नहीं भी हुआ तो भी लर्निंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो कुछ नहीं बनेगा, कहीं शॉर्टफॉल है, कहीं गैप है, वो आपको अपने समझ में आएंगे, वीकनेस है पेपर देते वक्त, तो यही लर्निंग आपकी बाकी एग्जाम्स में भी काम आने वाली है, ठीक है। स्किल टेस्ट इधर नहीं होगा, वो बाद में होगा, स्किल टेस्ट कुछ लोग पूछ रहे थे, तो स्किल टेस्ट सेकेंड फेज है, अभी आप जा रहे हैं फेज 1 के लिए, ठीक है। और भी कोई भी डाउट्स हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप हर्षिता मैम टेस्ट बुक बन चुका है, इस पे पिंग करें, या मेरे पर्सनल ग्रुप हर्षिता खुराना द ग्रामर गर्ल पे पिंग करें, और मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट्स में भी, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और गाइस ऑल द बेस्ट। 1-2 दिन के लिए आप मतलब बिल्कुल, मैं बोलूँगी पैनिक मत करो, बस कामली थोड़ा सा फोकस होके एग्ज़ाम देना और ज़रूर अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना 100% देना, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें कोई और क्वेरी हो तो। आई होप ये आप चीज़ें याद रखेंगे, और लास्ट में कोई मॉक अगर आपको देना है तो आप टेस्ट बुक पे जाके मॉक अटेम्प्ट करके स्कोर्स देख सकते हैं और उसी से लर्न कर सकते हैं। अभी तो ये भी पैनिक मत करना कि स्कोर कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, हो गया, अभी टाइम हो चुका है। तो जो भी आप सीखे हो मॉक से, प्रैक्टिस पेपर से, उसको बस याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।